कोर्ट से ममता को झटका, लगा बैन। थंबनेल आपने देख लिया होगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कानूनी जानकारी से भरा है, कोर्ट का आदेश है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई से आपको प्रणाम नमस्कार। आप सब जानते हैं कि उनको प्रणाम नमस्कार क्यों, क्योंकि वो जब से देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए हैं, तब से आम आदमी को न्याय जल्दी मिलने लगा है, सुलभ मिलने लगा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी कोई मुद्दा उठाने से नहीं चूक रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में या सदन के बाहर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, जेल में रहकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन सबके बीच में जो ममता बनर्जी हैं, उनको लेकर के एक बहुत बड़ा आदेश एक हाईकोर्ट ने जारी किया, और हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि उन्होंने जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन पर बोलने पर रोक लगा दी है। क्या बोलने पर रोक लगा दी है, आपको बताते हैं विस्तार से। मैं थोड़ा ब्रीफ इसका आपको पढ़ देता हूँ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं सीबी आनंद बोस, उन पर पिछले दिनों कोलकाता पुलिस ने यौन उत्पीड़न का एक मुकदमा दर्ज किया। सोशल मीडिया पर तमाम इसकी चर्चा, अखबारों में तमाम इसकी चर्चा रही, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे टीएमसी की जो ममता बनर्जी हैं, इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ बोला, उस बोलने को लेकर के जो राज्यपाल हैं कोर्ट गए और मानहानि का मुकदमा ममता बनर्जी और उनके दो विधायकों पर जो भी चुन करके आए थे, उन पर भी मानहानि का मुकदमा लगा दिया। इस मानहानि के मुकदमे में ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है वो आया है। तो थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, ये मामला जो है 2 मई को एक महिला है जो संविदा कर्मचारी है, वो राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, राज्यपाल पर मामला दर्ज होता है, और ममता बनर्जी पीटीआई के हवाले से कहती हैं कि महिलाओं ने हाल में हुई घटनाओं के कारण राजभवन में जाने से मना कर दिया है, राजभवन जाने से वो डरती हैं। 2 मई को एक संविदा कर्मी महिला जो है वो आरोप लगाती हैं राज्यपाल पर कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की। इसके बाद ममता बनर्जी जो है वो ये कहती हैं कि महिलाएं जो है राजभवन जाने से डरती हैं राज्यपाल के कारण। इस पूरी बात को लेकर के जब ये मामला जब मीडिया में आता है, सुर्खियां बनता है, तो जो राज्यपाल हैं सीबी आनंद, वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। और हाईकोर्ट जब वो पहुंचते हैं, तो हाईकोर्ट पहुंच करके वो हाईकोर्ट से अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका डलवाते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, मेरी जो इज्जत है, मेरी जो मर्यादा है, उसको जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उसको तार तार कर रही हैं, उसको बचाइए। और कहते हैं कि इनको ऐसा कोई भी बयान देने से रोकिए जो मानहानिकारक हो। हालांकि इस बयान में आप देखें तो कुछ भी ऐसा मानहानिकारक लगता नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट भी यही है, उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात को एफिडेविट पर देने को तैयार हूँ, हलफनामा जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस बात को हलफनामे पर या एफिडेविट पर देने को तैयार हूँ। मैं उन महिलाओं के नाम भी बताने को तैयार हूँ जिन्होंने ये कहा है कि राजभवन जाने से डर लगता है। और अभी इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ यौन उत्पीड़न का राज्यपाल के ऊपर, ये भी किसी से छिपा नहीं है, तो इसमें गलत क्या है, इसमें मानहानिकारक ऐसा क्या है। तो उन्होंने जब कोर्ट में अपना पक्ष रखा, तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो आदेश दिया वो ये दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जो हैं संवैधानिक पद पर हैं, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर वो सबका जवाब नहीं दे सकते, अपने जो उन पर आरोप है उनका बचाव वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को और टीएमसी जो उनकी पार्टी है उनको, उन्होंने बैन किया कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं करेंगे जो मानहानिकारक हो। साथियों सोचकर देखिए, इस देश में राज्यपाल, हालांकि संवैधानिक पद होता है, लेकिन राज्यपाल जैसे व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगना, दर्ज होना मामला, उसके बाद संविदा महिला कर्मचारी है उसका यह कहना कि राजभवन जाने से डर लगता है, और कोर्ट में जो राज्यपाल महोदय हैं वो ये कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, वो मेरी छवि खराब कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मामला दर्ज ही क्यों होता है? और अगर मामला दर्ज होता है तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक तय नहीं हो जाता कि वो आरोपी हैं कि नहीं है, तो उनको ये कहने का औचित्य समझ में यहाँ मेरे में नहीं आया। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, तो यहाँ कोई भी टिप्पणी मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहूंगा। संवैधानिक पद पर हैं, उन पर आरोप लगा है, जांच अभी चल रही है उसकी,
इसके अलावा ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप जो राज्यपाल हैं आनंद बोस साहब, उन बोस साहब के लिए आप कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं करेंगी जो मानहानिकारक हो। ममता बनर्जी भी नहीं करेंगी और उनकी कोई पार्टी का कोई भी नेता ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। हाईकोर्ट की सख्त यहाँ पर चेतावनी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया ममता बनर्जी को और टीएमसी को कि आप अपना जवाब दाखिल करिए इस पूरे मामले पर कि आपको क्या कहना है। तो उनका जवाब जो है मांगा है और उनके जवाब के 1 हफ्ते के बाद जो है राज्यपाल से भी उन्होंने जवाब मांगा है, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। यानी कि 2 हफ्ते का समय दिया ममता बनर्जी को, वो अपना जवाब दाखिल करेंगी, और 3 हफ्ते का समय दिया है राज्यपाल को ममता बनर्जी के जवाब दाखिल करने के। 1 हफ्ते के अंदर राज्यपाल अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, हाईकोर्ट अपना फैसला देगी कि आखिर मानहानिकारक मामला था या नहीं था। तो जो भी आदेश आएगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर कुछ भी बोलने से, कोई भी टिप्पणी करने से ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को हाईकोर्ट ने बैन कर दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर करें। बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत।